हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है स्टडी इन इंडिया यानी कि एसआईआई पोर्टल। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। एसआईआई पोर्टल एक वन स्टॉप मंच है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। इस दौरान श्री प्रधान ने कहा कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा निर्देशित एसआईआई पोर्टल भारत को एक पसंदीदा शिक्षा गंतव्य बनाने के साथ साथ समृद्ध भविष्य को आकार देने के लिए शैक्षणिक सीमाओं को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह शिक्षा क्षेत्र में ब्रांड इंडिया की एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति स्थापित करेगा। मंत्री ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की उपस्थिति से घरेलू छात्रों को भी वैश्वीकरण की दुनिया से अधिक निकटता से जुड़ने और वैश्विक कार्यस्थल के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में लाभ होगा। अब जान लेते हैं स्टडी इन इंडिया पोर्टल यानी कि एसआईआई के बारे में। स्टडी इन इंडिया पोर्टल एक समर्पित वेबसाइट है जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगी। वेबसाइट स्नातक यानी कि यूजी, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रमों के साथ साथ योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय कला आदि जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली के पाठ्यक्रमों को कवर करने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का वर्णन करेगी। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। शैक्षणिक सुविधाएं, अनुसंधान सहायता से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पोर्टल प्रस्तुत करेगा, जिसमें छात्रों को अपनी पसंद के एक से अधिक संस्थानों अथवा पाठ्यक्रमों में आवेदन करने का प्रावधान होगा। नया पोर्टल छात्र पंजीकरण और वीजा आवेदन की प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। अब नजर डालते हैं इसके उद्देश्यों पर। भारत में अध्ययन शिक्षा मंत्रालय यानी कि MOI के तत्वावधान में भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उद्देश्य विदेशी छात्रों के लिए भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना और वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को पुनर्जीवित करना है। इसका लक्ष्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में वृद्धि करना है। कार्यक्रम में भारत को पसंदीदा अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, वैश्विक मानकों के साथ तुलनीय सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है, जिससे उच्च शिक्षा में समग्र गुणवत्ता सुधार में योगदान दिया जा सके। अब नजर डाल लेते हैं इसकी समीक्षा पर। यह पहल न केवल दुनिया भर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करेगी बल्कि शिक्षा क्षेत्र में एक मजबूत ब्रांड इंडिया पदचिन्ह भी स्थापित करेगी। वन स्टॉप समाधान की पेशकश करके पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की पहुँच और आकर्षण को बढ़ाएगा। यह दुनिया भर के छात्रों को भारत की शैक्षणिक शक्ति, विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने में भी योगदान देगा। एक सहज अनुभव प्रदान करके एसआईआई कार्यक्रम भारत के जीवंत और सांस्कृतिक रूप से विविध शैक्षणिक वातावरण में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी छात्रों को आकर्षित करना जारी रखता है। एसआईआई पोर्टल के लॉन्च से भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की उपस्थिति को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे घरेलू छात्रों को वैश्वीकरण की दुनिया और वैश्विक कार्यस्थल से जुड़ने का लाभ मिलेगा। भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन की सुविधा प्रदान करके पोर्टल से उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से सरकार अधिक संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित करना, शैक्षिक कूटनीति को आगे बढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहती है। जब विभिन्न देशों के छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं तो यह अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है और एक दूसरे की संस्कृतियों, आदतों, परंपराओं और सोचने के तरीकों को बढ़ावा देता है। विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों का यह प्रदर्शन आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देने, अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण सीखने का माहौल बनाने में योगदान देता है। अब नजर डाल लेते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा है, इसका उद्देश्य विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की उचित देखभाल करना है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।